नमस्कार आम रोसेर ए फ्रेश एपिसोड को आपण मानक स्वागत करछु मो पुष्पांजलि। दर्शक बंधु आज आम विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स को लेकिन प्रस्तुत करवा सब्जी गुलबहार एवं ता सहित भेज जयपुरी आटा प्रस्तुत करिया करने आज मो सहित अच्छा सेफ रंजन। हेलो सेफ। हेलो आपण को आम सब को स्वागत कर आज आप प्रस्तुत करेंगे सब्जी गुलबहार एंड भेज जयपुरी। प्रथम गोटा प्रथम आम सब्जी गुलबहार बनवा कौन सब दरकार आम आनी पालक ब्लांच करलरेडी पेस्ट कर ग्रीन चिली पेस्ट पिया चप रसुण चप आलू बीन्स गाजर ग्रीन फिश कोबी आज बटर आनी क्रीम आनी लुण आनी रिफाइन तेल को लेकिन बनवा सब्जी गुलबहार। ओके आपण मैंने देखिले सब्जी गुलबहार बनवाई कौन सब सामग्री दरकार एवं प्रस्तुत करवा विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स को लेकिन सब्जी गुलबहार आरंभ कर तो पैन लगे रिफाइन तेल नहीं वेजिटेबल फ्राए करवा आलू सब डाइस कट कर दो गाजर नीचे सेम क्वांटिटी रो अबे ऑयल आमर गरम है कोबी नीचे जो हमारा बीन्स नीचे वेजिटेबल साकरे गाजर बीन्स फुलकोबी आओ ग्रीन पीस नवा जोटा की मेन ग्रेवी भावुची जो पालक पेस्ट आइए हल्का है गला हमें ये बाहर के लिए कहीं ये जल्दी कुक हो जामर ग्रेवी बन दे बस रिफाइन तेल 10-15 ग्राम दबा 10-15 ग्राम रिफाइन तेल नहीं गले आदर खास करी गार्लिक तड़का पालक बड़े दिन से देखो तो तादर गार्लिक फ्लेवर ही भल लगे आइए जित अधिक गार्लिक देबे सेते टेस्टी लगे हमरे बॉईल गरम हो जाई छी तादर हम गार्लिक गोटे स्पून लेबे प्याज चप अच्छे गार्लिक पिज गार्लिक अधिक क्वांटिटी प्याज दबा प्राय गोटे प्याज पालकटा भी बहुत बढ़िया कहीं देह पालकटा आमर प्याज हल्का ब्राउन आम ये ब्लांच कर जो आम पेस्ट करचे ब्लांच कला कर गार्लिक आ कंचा लंका लुण ना गार्लिक आ कंचा लंका ऐड करके पेस्ट कर आदर आम पालक
पालक धरे बटर ऐड करबा कैना बटर रे ऐड करले तार कलर किछि भी चेंज हे परबेनी अच्छा अच्छा ओ पालक फ्राई करुका समय रे बटर बटर ऐड करले तार सेम कलर रे दे बहुत बढ़िया टिप्स एटा उठे हम दर्शक मान को पे मु कहबी जेबे भी पालक से माने प्रस्तुत करछन पालक पर आइटम साइड रे बटर ऐड कर देबे हमर ऑलरेडी वेजिटेबल हे जाई छी काढ़ी तरह गोटे प्लेट को ओके वेजिटेबल जगार भी हमें पनीर भी किसी नॉनवेज भी किसी भी ऐड कर पड़े पालक ग्रेवी रे अच्छा अच्छा मैंने वेजिटेबल सही तो ना सेपरेटली ना सेपरेट अच्छा अगर हल्का सॉल्ट दवा हमारा फ्रेश ग्रीन पीस अच्छे बेस्ट टूल देखी के सेम क्वांटिटी ग्रीन पीस दवा अच्छा इबा हमर पालक हे जाय छी त देरा में बेस्ट टूल ऐड करबा अच्छा तदरे हमर क्रीम हो गेला परे लास्ट रे आधे अच्छे आम कस्तूरी मेथी पाउडर भी ऐड करें तो अधिक मैंने भल फ्लेवर आस आए स्पाइसी देखिक चिली पेस्ट ऐड करें अच्छा जो छोट पा खाया चिली कम एक्स्ट्रा भी रेसीपी रेडी सर हमें नहीं पार हमारे भी रेडी है जी सब्जी गुल बाहर और प्लेट को काट दवा हम क्रीम नीचे फ्रेश क्रीम टे गार्निशिंग करना रेडी सब्जी गुल बाहर टेस्ट कर देखते कमी निहाती भाव टेस्ट करवा सब्जी गुल बाहर फटाफट रेडी गोटे निश्चिंत भाव हेल्दी रेसिपी एटा सो हटके टेस्ट अच्छे खास कर भावी पालक पेस्ट जो ए यूज है पालक ग्रेविटा से तार टेस्ट को द्विगुण कर दूचु बहुत बढ़िया लगे ये प्लेन रोटी नान किसी भी सहित आम खाई बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छे आपण मैंने देखिले सब्जी गुलबहार कि भाव में प्रस्तुत है लिखी रखत आवश्यक होता सामग्री पालंग पेस्ट 100 ग्राम आलु 50 ग्राम गाजर 50 ग्राम बीन्स 50 ग्राम फूलकोबी 50 ग्राम कटा रसुण हाफ चमच कटा प्याज अल्प बटर गोटे चमच ग्रीन पीज 30 ग्राम क्रीम 2 चमच चिली पेस्ट गोटे चमच रिफाइन तेल 200 मिलीलिटर लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे प्यान बसाई 200 मिलीलिटर रिफाइन तेल गरम करंतु सेथिरे काटिथिबा आलू गाजर बीन्स और फूलकोबी को पकाई फ्राई करंतु आउ गोटे प्यान रे अल्प तेल हाफ चमच कटा रसुण कटा प्याज 100 ग्राम पालंग पेस्ट गोटे चमच बटर लुण 30 ग्राम ग्रीन पीज फ्राई करिथिबा परिबा 2 चमच क्रीम और गोटे चमच चिली पेस्ट को पकाई मिक्स करंतु शेषे सर्विंग प्लेट को काढ़ी क्रीम रे गार्निश करी सर्व करंतु सब्जी गुल बाहर एबे हमें प्रस्तुत करिबा विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स को लेके भेज जयपुरी सेफ कौन सब दरकार भेज जयपुरी बने पे भेज जयपुरी पे हमें आन छे कैबेज आन छे पाइनएप्पल बीन्स कैरेट ऑलिव फ्लावर पोटैटो
ओचे ग्रीन पीस हमरो फ्रेश क्रीम काजू पेस्ट ओके कॉर्नफ्लावर लूनो इलायची पाउडर गार्निशिंग पेंट टमाटर नहीं कैसे चीनी आनी और रिफाइन तेल ये सब गुनी के प्रस्तुत कर छे भेज जॉय कर ठीक है स्टार्ट करबा आगे पैन गैस लगेबा कड़ी बसीबा हम रिफाइन तेल आनी छे जस्ट ऑल फ्राई पैन के रिफाइन तेल लवा ओके हमें सब स्टोल स्लाइस कटिंग कर दो क्या बेस स्लाइस कर दो बीन्स से सेम कटिंग कर दो आलू भी अच्छे सेम कटिंग करवा आओ गाजर भी सेम कटिंग ने एटा उटे होटल रेसिपी एटा होटल रेसिपी एटा उची हमर बनौ छ हम बिना प्याज रसुन रे कना एटा उची सब फ्राई करवा आ हम फुल को भी अच्छे जो इच्छा अनुसार इच्छा चॉइस अनुसार भी जहाँ भी वेजिटेबल समय नहीं परिवा हमको मैग्नेशन करना बा हल्का कंट्रोल है लूनो नहीं है हल्का पानी दे वेजिटेबल कटिंग नहीं गले कॉर्नफ्लोर आउ सॉल्ट नहीं गले तादेह रे टिके पानी मिक्स करके आधा कमे बॉल्स फेंटीबा जे दुडे भलो भाबरे प्रत्येक वेजिटेबल्स रो चारिड जों कटिंग ता लागि लागि रहबो तबे फ्राई करनोबा ओके इतना ऑयलटा बहुत भलो भाबरे गरम थवा दरकार ग्रेवी रेडी करना बा छपटे इतना फ्राई होतला भीतर ग्रेवी बने नवा भाउची से एटा जो मिजा रेडी करिया पे जहां समय लागियो अदरवाइज देखन तो हमें छाणी देले मैं तो बहुत शीघ्र पकड़ा ही जाय ग्रेवी पके की हमें रिफाइन तेल नीचे अदर भी घी आई हार्ड करियो पे हमरो भलो घी जो काजू बटा अच्छे घी फुलटे अधिक टेस्टी रहो अच्छा हमें अद्दा चॉप नहीं छे अद्दा रो तड़का दवा ना अद्दा टिके प्राय 1.5 चम्मच कने पके बाय काईना अद्दा ग्रेप रे अद्दा अद्दा स्मेल आसी बाद कर हमें चॉप चिल्ली नहीं छे ग्रीन चिली हम स्पाइस देके प्राय गोटे बड़ चम्मच दबा काहे कि ना हम पाकर काजू पेस्ट अछि सेटा शूट अछि अच्छा ये हल्का ब्राउनिश हेला परे हम काजू पेस्ट आदर ऐड करबा ओके काजू पेस्ट प्राय 50 ग्राम दबा काजू दे दबा एक ना जल्दी कुक होई जबो काजू ना हम
आमर ऑलरेडी हो गला नी पानी टी दे देबा सेटा आमर जो भाई भाव में कटिंग आउ फ्राए होगा जमी लुक्स आ नूडल्स टाइप रो देखा जाऊँगी आम हल्का चीनी ऐड करवा हल्का स्वीट रहा ग्रेवी आम फ्रेश ग्रीन पीस अच्छी ग्रीन पीस ऐड करवा इलाच इलाच पाउडर आने चाहिए गोटे टी स्पून इलाच पाउडर दवा बढ़िया स्मेल स्मेल आसो आम अलरेडी बेस्ट होगा आम गोटे प्लेट को काढ़ी नवा फेस क्रीम नीचे क्रीम आदर ऐड करवा हमरो ग्रेवी ऑलरेडी हो आसलने हमें पाइनएप्पल नीचे ग्रेवी रे पाइनएप्पल चॉप ग्रेवी ऑलरेडी रेडी है छि हारी पर ग्रेवी आ गयो ओके बे वाओ माने बट डिफरेंट टाइप रो मेथड इटा वेज जयपुरी आम भी छोट छोट मानते गोटे राउंड बोला छाणिले छोट छोट पीसेस कर छाणी भी आ सहित मैंने ग्रेवी सहित घाटिक गोटे गोटे स्पून खाईपर आम गार्निशिंग नहींचे टमाटो नहींचे टमाटो गार्निशिंग दबा धनिया पत्र नहींचे आमर रेडी
भेज जयप्री टेस्ट कर देखो कम बहुत गोटे यूनिक प्रिपेरेशन एटा सेफ एटा तो गोटे वेजिटेबल्स प्रथम फ्राई करके हमें रखिले तार ऊपर ग्रेवी ऐड करले तो नॉर्मल एटा केमती खाई जानते माने को का से तो खाइले भल लागे एटा होची हमरो चाइनीज आइटम से तो भी खाइले भल लागे फ्राइडेस से तो खाइले बहुत बढ़िया लागे कि पल्लाक से तो भी खाइले भल लागे निश्चिंत भाव एटा गोटे थरो टेस्ट करिबा हटके टेस्ट अच्छी माने नॉर्मली भी जदि हमें वेजिटेबल्स को फ्राई करके घरे कुक करछे ताटो ठीक अलग टेस्ट अच्छी और स्वीट टेस्ट भी अच्छी थी बहुत बढ़िया लगे गोटे डिफरेंट टाइप टेस्ट पाइबे हम दर्शक मैंने निश्चित यहाँ घरे ट्राए करूँ आपण मैंने देखिले भेज जयपुरी किभ भाव में प्रस्तुत था ये लिखी रखु भेज जयपुरी बनवाई आवश्यक होता सामग्री बंधाकोबी 50 ग्राम बीन्स 50 ग्राम आलू 50 ग्राम गाजर 50 ग्राम फूलकोबी 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर गोटे चम्मच कटा अदा हाफ चम्मच कंचा लंका अल्प काजुबटा 50 ग्राम चीनी गोटे चम्मच ग्रीन पीज 20 ग्राम गुजराती गुंड हाफ चम्मच क्रीम गोटे चम्मच सपुरी 80 ग्राम टमाटो गोटे धनिया पत्र अल्प रिफाइन तेल 100 मिलीलीटर लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथम प्यान बसाई 100 मिलीलीटर रिफाइन तेल गरम करंतु बंधाकोबी बीन्स आलू गाजर फूलकोबी को काटी गोटे बॉल रे रखंतु सेथिरे गोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर लुण और सामान्य पानी दे भले भाबरे गोळाई तेल रे छाणंतु आ गोटे पैन रे अल्प तेल गरम करंतु सेथिरे हाफ चम्मच कटा अदा कटा कंचा लंका 50 ग्राम काजू बटा लुण सामान्य पानी गोटे चम्मच चीनी 20 ग्राम ग्रीन पीच हाफ चम्मच गुजराती गुंड गोटे चम्मच क्रीम और काटी सपुरी को पकाई सॉस प्रस्तुत करंतु शेषे सर्विंग प्लेट रे छाणी परिबा प्रस्तुत करिथिबा सॉस टमाटो और धनिया पत्र रे गार्निश करी सर्व करंतु भेज जयपुरी आज आपण माने देखिले सब्जी गुलबहार एवं भेज जयपुरी रा प्रस्तुति प्रणाली ए दुटा रेसीपी घरे प्रस्तुत करी निजे खांतो एवं घर लोकंक मध्य खायाकु दियंतु आ समस्ते खाइकी कोन कहले आमकु लेखि जणांतु आमकु लेखि जणिबार ठिकणा हैला आमोरसी ETV ओडिया पोस्ट बैग नंबर 38 भुवनेश्वर 1 अमर ईमेल एड्रेस हला etvodia@etv.co.in सेफ बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आज आपन हम दर्शक मान को भेज ऊपर दिटा बढ़िया रेसिपी प्रस्तुत करके देखले आपन मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद आगे आज रे टिप्स रे हला कॉफी को बंद डब्बा रे रेफ्रिजरेटर रे रखिले बेसी दिन टटका रहिबो दर्शक बंधु समय होय छै आज कार्यक्रम को एछि रखिबा आगामी अध्याय आपण मानक सहित पुणि थर देखाव से पर्यंत विदाय दियंतु रहुछु नमस्कार।